हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग चैंप। फ्रेंड्स, ये सिंगल कलर का पैटर्न आज मैं लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, बहुत सुंदर ये डिजाइन है और बहुत इजी है। और ये डिजाइन आप किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में बहुत अच्छा लगेगा, लेडीज जैकेट कार्डिगन में बनाएं, बच्चों के स्वेटर में बनाएं, पर जेंट्स स्वेटर में ये बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये वाला पैटर्न बनाने के लिए हमें फंदों की जरूरत पड़ेगी। 3 के मल्टीपल्स में हमें 2 फंदे ऐड करने हैं। ये 3 फंदों पर डला है ये पैटर्न, तो 3 का मल्टीपल्स इसमें चलता है और एक एक फंदा एस्टिच रखने के लिए, तो 2 फंदे हमें इसमें ऐड करने हैं 3 के मल्टीपल्स में। और 4 सिलाई पर ये पैटर्न हमारा कम्प्लीट होता है। ये देखिएगा, रॉन्ग साइड से ये ऐसा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम यहीं पर बनाकर देखेंगे। यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। स्टिच है, इसको आप चाहे तो बुन ले चाहे उतार लें। मैं इसको वैसे ही उतार लिया। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को पल वाइज इसमें सिलाई डालेंगे और ऐसे धागा लेंगे जैसे हम फंदा बुनना है हमें, लेकिन इसको हम बुनेंगे नहीं, ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे और यहाँ से हमारा रिपीट शुरू होता है। फिर यही करेंगे हम, अगला फंदा ऐसे इस पर ऊपर से धागा लेंगे और इसको उतार लेंगे, बुनेंगे नहीं। फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे और ये ऐसे फंदा स्लिप कर लेंगे। फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर अगला फंदा धागा घुमाकर स्लिप कर लेंगे। फिर 2 फंदों का एक बनाएंगे, नेक्स्ट फंदा धागा घुमाकर स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे। यही रिपीट इसमें होता रहेगा। ये देखिए, 2 फंदों का एक बनाया और अगला फंदा ऐसे लेंगे, धागा घुमाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे। और लास्ट में हमारे पास 2 फंदे ऐसे होने चाहिए जिनका हमें एक बनाना है, क्योंकि हमने शुरू में धागा घुमाया है शुरू वाले फंदे पर, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है इसमें, तो लास्ट में हमें 2 फंदों का एक बनाना है। ये देखिए, अगर हमने यहाँ भी फंदा स्लिप किया है तो इसमें बढ़ गया, और यहाँ भी हमने लास्ट में फंदा स्लिप किया और आगे हमारे पास फंदा नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे घटाने के लिए होने चाहिए, 2 फंदे एक बनाने के लिए। और ये स्टिच है, इसको हमने ऐसे ही बना लिया। ये उल्टी सिलाई है, सेकंड सिलाई। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बुनी जाती है, सारे फंदे इसमें उल्टे बुने जाते हैं। ये जो हमने धागा घुमाया था, ये फंदा उल्टा बुनेंगे, ये भी उल्टा बुनेंगे, ऐसे करके ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही आती है। बहुत इजी है, यही 2 सिलाई रिपीट होनी है आगे भी, बस फंदे चेंज हो जाएंगे। तो 4 सिलाई पर ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाई मैंने बना ली है, ये पैटर्न हमने बनाया है। और अब तीसरी सिलाई मैं बना रही हूँ, वही जैसे हमने फर्स्ट बनाई थी सिलाई वैसे ही बनाएंगे हम, बस थोड़े फंदे चेंज हो जाएंगे। ये हमने स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया। पहले हमने फर्स्ट वाले फंदे को स्लिप करके धागा घुमाया था, अब हमें शुरू में 2 फंदों का एक बनाना है। बस यही परिवर्तन है, बाकी फिर वही होगा। इस वाले को धागा घुमाकर स्लिप करेंगे, अगले 2 फंदों का एक बनाएंगे। बस जैसे फर्स्ट सिलाई हमने बनाई थी, अब वैसे ही बनेगी ये पूरी सिलाई। ये मैं बना देती हूँ। ये लास्ट में हमारे पास इस बार लास्ट वाले फंदे पर हमें धागा घुमाना है, क्योंकि हमने शुरू में 2 फंदों का एक बनाया है, तो लास्ट में हमें धागा घुमाना है, स्लिप करना है। और ये स्टिच है, ये हमारी 4th रो है रॉन्ग साइड से। ये हर बार रॉन्ग साइड से पूरी रो हमारी उल्टी ही आएगी। इसमें कुछ नहीं करना होता हमें, ये सारे फंदे हमें उल्टे बनाने होते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये दो पैटर्न बनाए हैं, एक ये और एक ये। तो चार सिलाई पर ये दो पैटर्न हमारे बने हैं। ये बनाए हैं मैंने इससे ऊपर ऊपर वाले, तो यही चार सिलाई आप इसमें रिपीट करते जाइएगा तो ये ऐसा पैटर्न हमारा बनकर आएगा। बहुत सुंदर है, बहुत इजी है, बिगनर्स इसको इजीली बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये पैटर्न कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो जल्दी मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।